Assalamu alaikum students, how was you? Let's start our studies. All of you open your books, page number 66. Students, this is unit number 7 and we have done reading and explanation of this chapter and also exercise A, all question and answers of exercise A. Only book work is left now. Let's start exercise B. This is identify the following. आपने आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने उसको पढ़ना है और उसके बाद आप पहचान कर बताएंगे कि वो क्या चीज है. नंबर वन इज एन एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड नियर प्रेजेंट डे लारकाना. एक कदीम शहर था पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन वादी सिंध की तहजीब का और मौजूदा जो लारकाना शहर है उसके करीब वाक़ है. तो ये कौन सा शहर था? दिस इज मोहनजोदड़ो. ठीक है, आपने ये यहाँ इसके सामने ही लिख लेना, मोहनजोदड़ो जो कदीम शहर था वादी सिंध की तहजीब का. नंबर टू, वन ऑफ द ओरिजिनल पीपल ऑफ साउथ एशिया कन्फाइंड टू द लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी बाय द आर्यन कॉन्करर्स. जनूबी एशिया के ओरिजिनल लोग थे जो यहाँ के पहले से रहने वाले लोग थे और जब आर्यन यहाँ पे आए थे तो उन्होंने उन लोगों को सबसे जो लोअर कास्ट थी सबसे निचली जात के जो लोग थे उनको जो है वो उन लोगों को बना दिया था और वो आर्यन जो कॉन्करर्स थे उन्होंने किया था ये काम. वो कौन से लोग थे जो यहाँ के ओरिजिनल थे और लोअर कास्ट थी? द शूद्रास, SHUDRAS, शूद्रास. नंबर थ्री, द हाइएस्ट कास्ट इन द आर्यन सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड थिंकिंग. कौन से लोग थे आर्यन्स की जो सोसाइटी थी उसमें जो सबसे ऊंची जात वाले लोग थे और उनकी ड्यूटी क्या थी? रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, तालीम हासिल करना, लोगों को समझाना, तालीम देना, सिर्फ ये काम था उनका. वो कौन से लोग थे? वो थे ब्राह्मण्स, जो सबसे हाईएस्ट कास्ट थी. ठीक है जी, द ब्राह्मण्स. ये आपको स्पेलिंग्स बुक में मिल जाएगी जो कास्ट सिस्टम था वहां से. नंबर फोर, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म जो बुद्धमत मजहब है उसके फाउंडर का नाम क्या था? वो था जी प्रिंस सिद्धार्था. नेपालीज प्रिंस है ना, आपने पढ़ा था बुद्धिज्म में, प्रिंस सिद्धार्था. अ ब्रेव रूलर ऑफ जेहलम हु फॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट. जेहलम का एक बहादुर जो है हुक्मरान था जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट का मुकाबला किया था, उसके साथ जंग की थी. कौन था जी वो? राजा पोरस. ये भी बहुत जबरदस्त हिस्ट्री थी, एक वाक्या था और उसको जब अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया था तो उसने क्या कहा था यकीनन आपको याद होगा, ये था राजा पोरस. द लास्ट वन इज अ किंग ऑफ एंशंट साउथ एशिया हु बिलीव्ड इन पीस रादर देन वॉर. ये किंग था साउथ एशिया का जो कदीम और पुराना जो साउथ एशियन इलाका था वहां का बादशाह था. एंड ही बिलीव्ड इन पीस रादर देन वॉर. उसने उसका यकीन था कि अमन जो है वो ज्यादा बेहतर है जंग के बजाय. लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो बहुत ही बेरहमाना उसने कत्ल किए थे, जंगे लड़ी थी. वो कौन था जी? अशोका. ठीक है, अशोका. क्लियर? नाउ एक्सरसाइज सी, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश वर टू इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. वादी सिंध की तहजीब के दो शहर थे कौन से? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा. ठीक है, नंबर टू, अलेक्जेंडर द ग्रेट थॉट द अर्थ वॉज डैश, अर्थ वॉज फ्लैट. नंबर थ्री, डैश रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम 269 बीसी टू 232 बीसी. अशोका रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ साउथ एशिया. नंबर फोर, चंद्रगुप्ता मौर्या वाज एन एम्बिशियस प्रिंस फ्रॉम द डैश प्लेन्स. चंद्रगुप्ता मौर्या कहाँ का था प्रिंस? गंगाज प्लेन, GANGES, गंगाज प्लेन्स. प्लेन्स ऑलरेडी लिखा हुआ है.
टेक्सला वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर, यहाँ पे ऑफ गलत है, इन आएगा, इम्पोर्टेंट सेंटर इन एंशंट साउथ एशिया, यहाँ से आए इन कट जाएगा, यहाँ से ऑफ कटेगा, इन पहले आता है, सेंटर इन एंशंट साउथ एशिया। ठीक है जी, आपका बुक वर्क ये कंप्लीट हो गया है, आपने ये अपना बुक्स पे नीट एंड क्लीन लिखना है, और नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अगले लेसन में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।